से सवाल किया गया कि आप थकते क्यों नहीं, तो वे मुस्कुरा कर कहने लगे कि मुझे परमात्मा से ऊर्जा मिलती है, मुझे पक्का यकीन है कि ईश्वर ने मुझे भेजा है, इसीलिए उसका काम करने में थकान नहीं होती। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग जानो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियाँ उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है और प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। और मैं कुछ नहीं हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो ईश्वर ने मेरे रूप में मुझसे लेना तय किया है। और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं मानता हूं शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहता है, क्या परिणाम होगा चिंता छोड़ो, मैं सिर्फ ईश्वर को समर्पित हूं। दूसरा, लेकिन उस ईश्वर को मैं देख नहीं सकता हूं तो मैं भी एक पुजारी हूं, मैं भी एक भक्त हूं। तो मैंने 140 करोड़ देशवासियों को ईश्वर का रूप मान करके चलता हूं, वही मेरे भगवान। वक्त एक ब्रेक का है।